हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भाई का यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल एंटरप्राइज आइडिया चैलेंज के बारे में। कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हैं, 11th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट चाहे PhD स्टूडेंट है, हर एक कोई अप्लीकेबल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, क्या कुछ टॉपिक में आपको चैलेंजेस दिया गया है उसके बारे में बताऊँगा आपको, ठीक। और इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 2 अक्टूबर तक। तो मैं बताता हूँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। आप 2 अक्टूबर और ये जो ऑफिशियल वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इसको देखिएगा। 2 वीडियो डालूंगा तो आपको काफ़ी कुछ जान पाइएगा। तो इसका बेसिकली 3 फेज स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने का। पहले आप रजिस्टर कीजिएगा, अपना टीम का डिटेल्स डालिएगा, उसके बाद इवेल्यूएशन करके जो भी बेस्ट टीम होंगे 15 उनको लिया जाएगा, और जो भी पार्टिसिपेट किएंगे शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिलेगा। तो यहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट होंगे उनको 75,000 के आसपास मिलेगा, और जो सेकेंड होंगे उनको 50,000, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेगा 25,000, ठीक। और सर्टिफिकेट के लिए जो भी सेकंड कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन सा फील्ड में हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। मैं बेसिकली दिखा दूँ तो सॉल्यूशन दैट विल बी एम्पावर कम्युनिटीज़, स्ट्रेंथ निंग लाइवहुड, पब्लिक हेल्थ सर्विस डिलीवरी, लोकल गवर्नेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। सॉल्यूशन दैट विल बी सपोर्ट NGO, philanthropic organization, citizen group in the pandemic response. Solution that will be equip our frontline workers, ASA, NM, ICTS, nurse, NGO, frontline workers. Solutions will be the strength the monitoring system at any scale. Solution that enhance the specific measures by hospital, municipalities, gram panchayat, blocks panchayat, ठीक है। आप अपना जो हॉस्पिटल्स है, म्यूनसिपल ग्राम पे, कुछ भी सॉल्यूशन आपके पास जो भी है सोशल वर्कर अनाज के लिए, कुछ भी है NGOs के लिए, आप यहाँ से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। आप लोग बेसिकली जो डेली नीड में हम लोग करते हैं उसमें किसके कैसे उसमें कुछ भी अगर उसका पैसे प्रॉब्लम ढूंढना है आपको, प्रॉब्लम ढूंढ के उसको सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करना है और अपना आइडिया जो है इसको आगे भेजना है, ठीक है। आपको सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ से इवैल्यूएशन होकर आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो ऐसा कुछ था, मैं फिर से बता दूँ, इसका 3 फेज है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना टीम डिटेल्स, आपका आइडिया पेश करना है 2 अक्टूबर से पहले पहले, और उसके बाद इवैल्यूएशन करके आपको बता दिया जाएगा। अगर होते हैं तो बैंगलोर आपको बुलाया जाएगा, बैंगलोर में बुला के आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, प्राइज मनी भी मिलेगा और काफ़ी कुछ आप सीख पाइएगा, ठीक। तो एक हेड स्टार्ट करना चाहिए अभी से। अगर नहीं भी होता है तो अपना आइडिया डालने में क्या कुछ जाता है, ठीक, आइडिया डाल दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी कुछ दिक्कत होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने इसको देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसको कर लीजिए, ठीक। इसको बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा टास्क है। आपके पास कुछ भी आइडिया है, आप तो जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखे थे ना वैसे ही है, सेम उससे भी आसान काम है। आपके पास कुछ आइडिया है उसको सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट करके उसको करिए। यहाँ पर से कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे सॉल्यूशन दैट विल एम्पावर द कम्युनिटीज़, NGOs जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या हम लोग पंचायत या ब्लॉक चेन पंचायत में कुछ भी दिक्कत है तो इसी के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ जो है समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।